इसमें टोटल कितना डिग्री होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 65 डिग्री है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और A1 से A25 तक का कितना दिया है? पांच कितना किलो? 75 केजी आपका राइट आंसर है। 60 रुपए कितना आ गया? 206। नमस्कार साथियों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हॉस्टल वार्डन की एग्जाम की डेट आ गई है, जो कि है 15 सितंबर। और हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अपन मैथ से रिलेटेड जो सेक्शन है ना, उसके सारे जो संपूर्ण पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उस पे जो 25 क्वेश्चन आने हैं, उसके सारे क्वेश्चंस जैसे एक पैटर्न आना है उसी के हिसाब से अपन MCQ सॉल्व करवेंगे, क्लास में करेंगे। तो हम उसी सिलसिले में लेके आए हैं आपके सामने संपूर्ण पाठ्यक्रम पे मैथ्स का जो MCQ है। 15 MCQ अपन ने पहले कर लिए थे, लेकिन वो स्पेसिफिक टॉपिक के किए थे। इसमें क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो MCQ है वो अपन इसमें करने वाले हैं। देखिए, इससे ना हमने ये जो MCQ डाला है, आपके हॉस्टल वार्डन में 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में जो सबसे ज़्यादा आपको दिया गया है, वेटेज जिसका ज़्यादा है, वो है 2D 3D लाइन्स एंड एंगल्स, 2D एंड 3D का। तो हमने कोशिश की है कि 50% क्वेश्चन हम यहाँ पे MCQ में वही रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक बात याद रखेंगे, हर 2 दिन में MCQ की सीरीज हम लेके आएंगे आपके सामने अगले 2 महीने तक। तो सारी प्रैक्टिस जो भी है आप यहाँ पे करते जाएं, क्वेश्चन के माध्यम से सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे फिर से एक बार हो जाएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो क्वेश्चंस देखें और साथ में हमारे उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 16 में। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, लाइंस एंड एंगल से आया है। नीचे दिए गए चित्र में ABCD के समांतर है। AB कौन है? ये AB है, CD ये CD है, ये दोनों समांतर हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं। ABC एंगल, ABC एंगल, ABC, ये कितना डिग्री दिया गया है? 65 डिग्री दिया गया है। ये वाला जो एंगल है ना, ये 65 डिग्री दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एंगल CDA इज 15 डिग्री, एंगल CDE इज 15 डिग्री, ये 15 डिग्री दिया गया है, बहुत बढ़िया। एंड AB इज पैरेलल टू AE, AB और AE बराबर हैं, माफ कीजिएगा, पैरेलल नहीं, दोनों बराबर हैं। ये AB और ये AE दोनों बराबर हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, बराबर हैं। हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल में ना, ये जैसे ट्रायंगल हो गया, इसमें कोई दो साइड बराबर है ना, तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसमें ये और ये साइड बराबर है ना, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। तो आप देखते हैं ये दोनों साइड बराबर हैं, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, बहुत बढ़िया सर। अब देखो, तो उसने पूछा है AEF का मान, AEF आपको इसका मान निकालना है। चलो अब अपन देखते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, जो पूछा है इसकी, इस ये जो दिया गया था वो हमने निकाल लिया। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो दोनों बराबर होंगे, कोण भी उसका यूज हो गया। एक और दिया गया है, ABCD के समानांतर है, पैरेलल है, AB और CD पैरेलल हैं। अब देखिए बड़े प्यार से, दो ऐसी पैरेलल लाइंस होती हैं, उसको एक लाइन कट करती है, कट करती है ऐसे। तो यदि ये
एक्स है ना, तो ये भी एक्स होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम चेक करेंगे, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसे कट कर रही है, ये यदि एक्स है, जितना ये है उतना ये भी होगा। तो देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसी कट कर रही है, हमको दिख गया कि ये लाइन ऐसे कट नहीं कर रही, मतलब उसको टच कर रही है, कट कर रही है, एक ही बात है। तो हमने क्या कहा है, जो पैरेलल लाइंस हैं उसमें ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, आप चेक कर लो भाई, देखो ये, देखो यही तो है, ये दोनों पैरेलल हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंदर बन रहा है और एकांतर है ये इस तरफ और ये इस तरफ, अंतः एकांतर कोण से। तो ये 65 है तो ये भी 65 नहीं हो जाएगा, ये वाला एंगल ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, हमको दिख रहा है भाई, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें टोटल कितना डिग्री होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 65 डिग्री है, तो ये वाला टोटल कितना डिग्री आ गया, सर 65, 5, 70 और 80, तो ये 100 डिग्री नहीं हो गया, ये पूरा का पूरा 100 डिग्री हो गया। अब एक बार और चेक करो, ये वाली लाइन AD, और एक लाइन ऐसी है BC, ये 100 है, तो ये पूरा का पूरा 100 नहीं निकल आएगा, ये भी 100 आ जाएगा पूरा, ये पूरा का पूरा 100 आ गया, जिसमें से ये 65 है, ये पूरा 100 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, यही तो निकालना था। आपका आंसर कितना डिग्री आ गया, 35 डिग्री आ गया। कुछ नहीं किया हमने, जो हमारे पास दिया गया है ना डेटा, उसी को लिखा है, जैसे ये 65 है तो ये भी 65 सर, ठीक है ये बात। अब हमने चेक किया, ये 65 है करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है, ये देखो अल्टरनेट, ये 65 है, ये 65 हो जाएगा, क्यों, ये देखो ऐसी है ना, ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली रेख, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, वही हमने यहाँ पे 65 कर लिया। ये 15 है, दिया गया है 15 डिग्री, दोनों का योग कितना आया, सम 80 डिग्री, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। सिरसा भी विमुख कोण, दो लाइन क्रॉस करती है ना, तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, मतलब ये x है तो ये भी x, ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री, तो ये 100 है तो ये भी 100, जिसमें से ये टोटल 100 हैं, ये 65 हो गया, ये 65 हो गया, तो ये इसके लिए कितना बचा, 35 डिग्री, वही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्या करते हैं, इस तरफ ऐसे जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, तो जो इस पॉइंट इस तरफ है ना एंगल, इनका योग, इनका सम बराबर होता है किससे, इस तरफ के जो इस एंगल हैं उससे, इस तरफ के एंगल से, जैसे ये 1 है एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, तो क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इस तरफ वाले प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये रूल है, ये याद रख लेंगे, अब तो इजी हो जाएगा, अब ये बनाना इजी है। अब देखो इस तरफ के देखते हैं, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले,
ये कितने आ जाएंगे, थीटा प्लस 50। ये देखो ये अल्फ़ा है, हमको ये वाला चाहिए, ये टोटल 180 में से अल्फ़ा चला गया, तो ये 180 माइनस अल्फ़ा नहीं आ गया, 180 माइनस अल्फ़ा बिल्कुल आ गया सर, 180 माइनस अल्फ़ा लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये टोटल 180 है ये अल्फ़ा, तो ये 180 माइनस अल्फ़ा। सेम ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल 180 है, इसमें से ये एक्स निकल गया, तो 180 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, ये 180 माइनस एक्स आ गया। अब देखो इस तरफ के एंगल और इस तरफ के एंगल को इक्वेट करते हैं, हम पहले पकड़ते हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, चलो देखो क्या है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स प्लस बीटा प्लस ये क्या है, थीटा प्लस 10 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा भाई, सर ये बराबर हो गया किसके बराबर, इस तरफ के एंगल के, इस तरफ एंगल में क्या है, ये वाला ये है और ये है भाई, ठीक है, क्या आ गया 180 माइनस अल्फा, फिर क्या आ गया प्लस 50 डिग्री, फिर क्या आ गया प्लस थीटा डिग्री, ये बात क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 180 तो दोनों तरफ था, कैंसल हो गया, और क्या अल्फ़ा इधर ले आते हैं, अल्फ़ा ये बीटा था प्लस थीटा, ये थीटा से थीटा डिग्री कैंसिल हो गई, तो हम ये थीटा तो हटा देते हैं, ठीक है, और कितना आया, ये एक्स इस तरफ ले आते हैं, 50 डिग्री इधर ले आते हैं, ये 10 और ये माइनस का 50 डिग्री, एक्स इधर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 170 डिग्री, इसकी वैल्यू है 170 डिग्री, प्लस 10 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स, 180, 180 में से 50 चला गया, 130 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 130 डिग्री आ गई, और x की वैल्यू ही पूछा है, आंसर कितना आएगा, 130 डिग्री इसका राइट आंसर है भाई। चलिए ये उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखो कुछ बच्चों को ना दिक्कत हो रही है, हमने क्लास में भी नोटिस किया, और कुछ बच्चे हमारे पास पर्सनल आए, उन्होंने कहा कि हमको लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में कुछ दिक्कत हो रही है, ये जो एंगल निकालना है कैसे निकालते हैं ये हमको एक बार और बताओ, तो हम इन वीडियोस के अलावा इसके इतर यूट्यूब में ही आपके लिए लाइंस एंड एंगल्स इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं ना लाइंस एंड एंगल्स में, वो सारे के सारे आपके सामने 2-3 वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, हम साथ में ये तो एमसीक्यू करवा रहे हैं 25 वाला, टॉप 25 का, साथ में चैप्टर्स भी डील करते जाएंगे, तो पहला जो अपन डील करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का, जिसमें ये वाला था, ये क्वेश्चन थे, इसको डील करेंगे। चलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये ना एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, क्या कहता है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाए, कोई संख्या 6 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए ना, तो वो इनके एलसीएम, एलसीएम इनका क्या होगा, इनका प्रोडक्ट 5 × 6 = 30, तो वो 30 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये 30 से डिवाइड नहीं होता, ये 30 से डिवाइड नहीं होता, ये तो 30 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन इससे भी एक बड़ी संख्या यहाँ पे है जो कि 30 से डिवाइड होती है, तो कौन सी आएगी आंसर, 90 आपका आंसर है। देखो इसको बनाने का
ये तरीका तो है, साथ में एक तरीका और बता रहे हैं यदि आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो। सबसे बड़ी संख्या क्या जानते हैं आप? दो अंकों की 99। हमने तो ये बताया है आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। इस 30 से डिवाइड करें, क्योंकि वो संख्या यदि 6 से भी डिवाइड होनी चाहिए होती है और 5 से भी होती है, तो इनके एलसीएम मतलब 30 से होगी। तो डायरेक्ट 30 से चेक कर लेते हैं, 6 और 5 से कहाँ तक चेक करते रहेंगे। इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, तो एलसीएम से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो एलसीएम से चेक कर लेते हैं। 30 तिया 90 बचा कितना? 9। सर 9 डिवाइड नहीं हो रहा, ये पहले ये बताओ 99 ही क्यों लिया? क्योंकि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं 99, उससे कोई भी बड़ी संख्या नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ी संख्या 99 ले लिया। 30 से डिवाइड किया, 30 तिया 90 ले लिया। सर 99 ना पूरी तरीके से कट जाता, बस दिक्कत क्या हो गई, ये 9 एक्स्ट्रा बच रहा है, 9 एक्स्ट्रा बच रहा है। यदि 9 कम कर देना इस 99 में तो पूरे की पूरी कट जाएगी, क्योंकि ये शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी को घटा देते हैं तो 99 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 90। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आप अप्रोच करना है आपको कैसे, ऑप्शन से करना है, नहीं बन रहा तब जाके यहाँ पे आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 40 संख्याओं का औसत 36 है। देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन हमने रखा है, 40 संख्याओं का औसत 36 है। एक मिनट हम एवरेज को आपके सामने रिवाइज कर देते हैं। एवरेज क्या होता है? संख्याओं का औसत, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्या मान लो नंबर, सम ऑफ नंबर्स और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम योग को या सम को क्या लिखेंगे? सम, इंग्लिश में सम या हिंदी में योग, इसको क्या लिख सकते हैं? एवरेज में यदि हमने संख्या को गुणा कर लिया, नंबर को गुणा कर लिया, तो क्या निकल जाएगा? योग। किसमें? एवरेज में संख्या को। जैसे 40 संख्याओं का औसत कितना है? 36। तो 40 का योग कितना आ जाएगा? A1 से लेके A40 इनका योग कितना आ जाएगा? योग सर ये आ जाएगा एवरेज, एवरेज गुणित संख्या, संख्या कितनी है? 40। ये डायरेक्ट करना है अब आपको। चलो अब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आ गया, तो ये आया कितना भाई? 36 दुना 72 और 144 0। ठीक है, पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है। तो पहली 25 मतलब A1 से लेके A25 तक कितना है योग? योग है, योग आ जाए, औसत कितना है? 31। तो हम क्या जानते हैं योग कितना होता है? औसत में संख्या का गुणा। औसत कितना है? 31। इसमें संख्या का गुणा कर दिया, 25 एकम 25, हंसी लाई 2, 25 दिया 75, 2 77। ये पहला 25 का योग आ गया, सम आ गया। अंतिम 16, अंतिम 16 का औसत कितना होगा? 43। तो एक चीज बताओ, अंतिम 16 होगी कौन सी संख्या? 1 से 40 तक संख्या है, A1 से लेके A40 तक, यहां पे A25 होगा, ये शुरू से लेके 25 संख्या हो गई। बची कितनी संख्या? सर बच गई 15 संख्या। कितनी संख्या बच गई? 15 संख्या नहीं बच गई, ये 26 से लेके यहां तक, ए 26 से लेके यहां तक 15 संख्या बच गई। लेकिन वो क्या कह रहा है? अंतिम 16, 15 तो ये हो गई, 16 ले रहा है मतलब इसको भी लिया होगा, इसको भी लिया होगा, मतलब ए 25 भी लिया होगा। ए 25 से लेके ए 40 अंतिम 17 है, ए 25 भी आया होगा और ए 40 भी आया होगा, यहां तक पूरी 16 संख्या है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखो टोटल कितनी संख्या है? 40, 25 किया
और 16 कर लिया तो अब टोटल कितनी संख्या हो गई, 41 नहीं हो गई, 41 हो गई तो कौन सी संख्या, वही 25वीं संख्या दो बार काउंट हो रही है, याद रखेंगे दो बार काउंट हो रही है, यहाँ से भी 25 तक में और लास्ट से 16 तक में भी ये दो बार काउंट हो रही है, तो इसलिए जो अंतिम 16 है वो क्या आएगा, A25 से लेके A40 तक, इनका योग कितना है, सम, ये कितना आ जाएगा जी, का औसत 16 संख्याओं का औसत 43 है, तो 43 गुणित 16, 16 दुना 32, 16 ती 48, 16 64, 64 और 4 68। चलिए ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो एक बार और अच्छे से, A1 से लेके A40 यहाँ तक की 25 संख्याओं का कितना है, A25 तक का, और फिर यहाँ से A25 से लास्ट की 16 मतलब A25 से A40, तो आप देखो यहाँ से लेके पूरा का पूरा कितना दिया है, A25 से A40 688, और A1 से A25 तक का कितना दिया है, ये दिया है 775। तो ये बताओ इन दोनों के योग में यदि हमने घटा दिया A से लेके 40 तक, क्योंकि 25 ना दो बार आया है, हमने घटा दिया एक 1440 को, तो हमको क्या निकल आएगा, ये बीच वाला नंबर 25वीं संख्या निकल आएगी। 25वीं संख्या कब निकलेगी, दो बार हुआ है ना, एक बार घटा देंगे, एक बार 25 को घटा देंगे तो एक बार 25 A25 बच जाएगा, तो वही ये कंसेप्ट है, दोनों को जोड़ लो, 8 5 13 हासिल आई 1, 8 और 1 9, 9 7 16 हासिल आई 1, 6 7 7 7 14, 1463 में से 1440 चला गया, कितना बच गया, 23 आपका इसका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, एकदम बेसिक से कंसेप्ट से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए ये भी औसत का ही है, 3 पुरुष ABC का औसत वजन 84 किलोग्राम है, 3 पुरुष हैं, तो ABC है ना, A+B+C, इनका योग कितना आ जाएगा, एवरेज है 84 kg, और कितने पुरुष हैं, संख्या 3, तो कितना आ गया, 4 3 12, 8 3 24 और 1 25 252 आ गया ABC का योग। एक और साधनी समूह में शामिल होता है तब औसत 180 किलो हो जाता है, डी और आ गया ना, तो अब औसत कितना हो गया, 80, डी और आ गया मतलब A+B+C+D आ गया, अब औसत कितना हो गया, 80 हो गया, तो कितने किलो के, कितने लोग थे, अब 4 लोग हो गए, तो 8 4 32 नहीं हो गया, 8 4 32 320, तो ये बताओ ABC की वैल्यू है कितनी, ये ABC 252 नहीं है, ये 252 है, इसको 252 लिख देते हैं, तो D कितना आ जाएगा, सर D की वैल्यू आ जाएगी 48, 48 और 20 68, ये D की वैल्यू आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है यदि कोई दूसरा आदमी E जिसका वजन D की तुलना में 3 किलो अधिक है, ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है, अधिक 3 किलो है मतलब वो है 71 किलो का, डी से 3 किलो अधिक है, ए की जगह लेता है, ए की जगह ई आता है, तो अब देखो ए की जगह ई आ गया, ठीक है, तो बी सी और डी और ई का औसत कितना हो जाता है, 79 kg हो जाता है, तो B C D और E का वजन कितना हो जाता है, औसत 79 हो जाता है, औसत 79 हो गया, कितने लोग हैं,
चार लोग हैं तो चार से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 32 320 में से चार चला गया 316। अब हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ई का वजन है कितना, ई का वजन है 71, ठीक है सर। हमको पता है डी का वजन कितना है, डी का वजन है 68, बहुत बढ़िया सर। इसको यदि हमने घटा दिया तो बी और सी कितने आ गए, 316, इनको जोड़ के घटा दिया 8 और 1 9, 6 दुनी 12 और 1 13, तो कितना आ गया बी प्लस सी, देखो सर ये आ गया 16 में से 9 गया 7, 30 में से 13 चला गया 10 गया 20, 20 में 13 चला गया 3 चला गया 7, 17, 20 में 3 चला गया 17, 177 ए बी प्लस सी आ गए। तो बी प्लस सी कितने आ गए, 177। हमको क्या पूछा है, ए का वजन कितना है ये बताओ, बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 177, यहां पे 177 रख देते हैं, ए प्लस 177 इज इक्वल टू 252, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगा, ये आ गया 23, तो 5 2 7 और 3 2 5 कितना किलो, 75 kg आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं, 177 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, 177 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया दोनों का डिफरेंस, 75 kg आ गया, वही क्या है ए का राइट आंसर है। बॉटम लाइन क्या है सर, ये बात है कि हमको सिर्फ योग निकालना है ना, सम, तो ये सम निकाला कैसे जाता है, एवरेज में कितनी संख्या है, कितने लोग हैं, 1 2 3, तो एवरेज में 3 का योग गुणा कर दो, योग निकल आएगा, कितने लोग हैं, 1 2 3 4, एवरेज में 4 का गुणा कर दो, ये एवरेज था 4 लोगों का, तो 4 का गुणा कर दिया तो चारों का योग आ गया। अब देखो ए बी सी की वैल्यू तो निकाल लिया अपन ने, डी की वैल्यू निकाल लिया, डी से 3 किलो अधिक है। अब ई यदि ए को रिप्लेस कर दे तो ए की जगह ई आ गया, बी सी और डी का एवरेज 79 है, कितने लोगों का, 1 2 3 4, तो 4 से एवरेज में गुणा कर दिया, औसत में इतना योग आ गया, बी सी की वैल्यू आ गई, बी सी यहाँ रखा, ए की वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आप साथ साथ हमारे साथ साथ क्वेश्चन बनाते जाएं भाई। देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में इतनी थी, अब इतनी हो गई, 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी। देखो ध्यान दो, 2007 में ना कस्बे की जनसंख्या थी 268,000, 268,000, 2010 में कितनी हो गई, 375,200। अब हमने कहा है क्या, जब भी परसेंट निकालना है दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया, तो 75,200 और 2200, 32,000 कितना आ गया, 200, 5 2 7, 7 3 10, तो इतने की बढ़ोतरी हो गई 10,720 की, दोनों का डिफरेंस लिया है, कुछ नहीं लिया, 1,07,200 की वृद्धि हो गई, ठीक है भाई। कहाँ से वृद्धि हो रही है, 268,000 से, इनटू परसेंट निकालना है ना, परसेंट कर लिया 100%, 00 से 00, ये से ये कट गया, हम देखेंगे 8 चौक 32, 6 चौक 24 और कितना आ गया, सॉरी कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार गया, ठीक है, 3 आ गया, 2 हाँ से लाई 3,
और 6 चौक 24, 24 और 3 37 हासिल आई 3, और 4 दुना 8 ठीक है, ये कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, कितना परसेंट आ गया सर, 40% आपका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी। क्या किया है, कुछ नहीं, डिफरेंस ले लिया कितना, और यहाँ से वृद्धि हो रही है ना, और फिर अपन ने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में 92% आंसर कितना है इसका, 40%। चलिए, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, पास, कोई परीक्षा हुई वहां पे कितने परसेंट छात्र ने एग्जाम दिया होगा, 100%, 92 पास हो गए, पास होंगे या तो फेल होंगे, ऐसा ही हुआ होगा। पास कितने परसेंट हुए हैं, 92%, 92% पास हुए हैं, तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, 100% में से 92% पास हो गए तो 8% फेल हुए होंगे, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 480 ना फेल हो गए, तो 1% की वैल्यू बता लो, 8 6 48 कितना आया, 60, तो कितने परसेंट की उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, शामिल तो सारे के सारे हुए हैं, कुछ पास हुए हैं कुछ फेल, कितने शामिल हुए हैं, 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 आपकी 100% की वैल्यू आ गई, क्यों, 60 के एक के सामने 2 जीरो चिपकाया है तो 60 के सामने भी 2 जीरो चिपकाओ, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ए ने बी को कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 15% लाभ पर बेच दी, बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है, चलो इसको रेशियो में ही करते हैं, ए है बी है सी है, 25% लाभ पर बेचा, 25% की वैल्यू 1/4, 4 से 1 में लाभ में बेच दिया ए ने, 4 से 1 का लाभ मतलब 4 की वस्तु 5 में बेच दी, बी ने 15% लाभ, 15% की वैल्यू 3/20, तो लाभ में बेचा मतलब प्रॉफिट में बेचा, 20 से 3 का लाभ मतलब 23 में बेचा है, सबका रेशियो कितना आ गया, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, ये रेशियो आ गया ए और बी का। अब देखो क्या कहता है, बी का लाभ कितना है, बी ने 100 में खरीद के 115 में बेच दिया, बी का लाभ मतलब 15, ए के लाभ से 40 रुपये कम है, ए का लाभ कितना है, ए ने 80 में खरीदा, 100 यूनिट में बेचा तो 20 यूनिट, ये 20 यूनिट 15 यूनिट से कितना अधिक है, 5 यूनिट अधिक है, कितना यूनिट अधिक है, 5 यूनिट ज़्यादा है, और रुपए में कितना ज़्यादा है, 40 रुपये, 5 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये, कह रहा है बी का जो लाभ है ना 15 यूनिट, वो ए के लाभ मतलब 20 यूनिट से ये 15 कितना 40 कम है, तो 20 यूनिट से 15 यूनिट, यूनिट में कितना कम है, यूनिट में 5 यूनिट कम है, और रुपए में कितना कम है, 40 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपये, तो उसने पूछा है ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य है कितना, 80, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 80 यूनिट की वैल्यू 8 8 64 रुपये, कितना आ गया, 640 आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो ये SI का है, याद रखेंगे हॉस्टल वार्डन में चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 600 रुपये, तो देखो कोई धनराशि 600 रुपये हो जा रही है ना, तो वो क्या दिया गया है, उसने
अमाउंट दिया है, क्या दिया है अमाउंट, कितने साल का, दो साल का अमाउंट है, दो साल का अमाउंट कितना रुपया है, 600 रुपए। सर प्रिंसिपल यहां पे क्या हुआ होगा ये बताना जरा, दो साल का ब्याज लगा होगा, एक साल का ब्याज और दो साल का ब्याज, दो साल का ब्याज जुड़ने के बाद कितना रुपया हो रहा है राशि, 600 रुपए, और 10 वर्षों में A10 जो है वो कितना है, 1000 रुपए ये कहता है। तो ये बताओ आप, यहां से यहां तो दो साल का ब्याज लगा है, यहां से लेके यहां 10 साल का ब्याज, तो साधारण ब्याज में हमेशा बराबर होता है, तो यहां से लेके यहां तक 10 साल का ब्याज लग गया, यहां से यहां 2 साल का, 2 साल यहां से यहां 10 10 2। तो एक बात बताना बाबू, इन दोनों के बीच में 8 साल का ब्याज नहीं लगा, देखो ये 2 साल का ब्याज लगा और यहां 10, तो इन दोनों के बीच में 8 लगा होगा, क्योंकि ये 2 और ये 8, टोटल 10 लग जाएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, सर दोनों का डिफरेंस है 400 रुपए, और ब्याज कितने साल का लग रहा है, 8 साल का साधारण ब्याज, 8 ईयर्स SI कितना है, 400 रुपए। तो 1 साल का कितना आ जाएगा बाबू, 8 × 5 = 40, 50 रुपए लगा होगा, 50 रुपए ब्याज लगा होगा 1 साल में, यहाँ 2 साल का ब्याज 50 रुपए, 2 साल का ब्याज लगा है तो 50 रुपए लगा होगा, 50 लगा होगा, टोटल ब्याज लग गया 2 साल में 100। तो यहां से यहां 100 रुपया ब्याज लगा, 600 रुपए हो गए, 100 रुपए ब्याज लगने के बाद 600 रुपया हो गया, तो ये 500 रुपया नहीं होगा, ये बताओ प्रिंसिपल 500 रुपया नहीं होगा, प्रिंसिपल 500 रुपया होगा तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब हम जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का साधारण ब्याज बटे पी इंटू 100%। 1 साल का ब्याज कितना है, 50, पी कितना है, 500 × 100%, 00 से 00 कैंसिल नहीं हो गया, 5 दहम कितना परसेंट, 500 रुपए पी आया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10%, ये आपका राइट आंसर है। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है सर, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है, याद रखो 1 साल का साधारण ब्याज बटे पी। यदि आपको ये नहीं पता ना तो आप तो एक फॉर्मूला तो जानते ही जानते हो, कौन सा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सारे बच्चे जानते हैं। SI देखो, SI कितना मिल रहा है, 50 रुपये, 1 साल में कितना रुपया, 50 रुपया, पी कितना है, मूलधन कितना है, 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। SI कितने साल का डाले हो, कितने साल का SI है, 50, 1 साल का, तो टाइम भी एक डालो, एक टाइम, ये कितना आ गया, 00 से 00, 5 दहम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 10%। यदि आप 400 रुपए डालते ना SI, 8 साल का SI 400 रुपए, तो टाइम कितना डालना पड़ता, 8, और 8 × 5 = 40 हो जाता, तो यहाँ जितने साल का SI ले रहे हो उतने टाइम भी लेना है, तो यहां से भी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वे एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद मिल जाते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलते हुए 2.5 घंटे बाद मिल पाते हैं। चलो देखो, ये ए है,
यहां पे कहीं B है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। वे एक दूसरे की ओर चलकर एक दूसरे की ओर जाते हैं, एक दूसरे की ओर मतलब A इधर जा रहा है, B इधर आ रहा है, एक दूसरे की ओर चलते हैं तो आधे घंटे बाद मिल जाते हैं। आधे घंटे मतलब 30 मिनट लग रहा है या फिर आधा घंटा लग रहा है, ठीक है एक ही बात है। अब देखते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलते हुए 2.5 घंटे बाद मिल पाते हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में चले ना इसी तरफ तो कितने घंटे बाद मिल पाते हैं, 2.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद। तो ये बताओ, हम देखते हैं एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो दोनों की स्पीड एस ए प्लस एस बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, जुड़ जाएगी स्पीड। हम क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। कितने टाइम में कर लिया कवर, आधे घंटे में। आधा घंटा मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो 15 × 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर आर। लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सॉरी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहां तो अपोजिट चल रहे थे ना। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें, ये भी इसी में ये भी इसी में, तो दोनों का अपोजिट सेम डायरेक्शन में चलती है जब भी दो कोई वस्तु, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो कम हो जाती है। हमने जैसे कि इधर से जा रहे हैं तो दोनों का जुड़ जाएगा, और दोनों ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी, घट गई तो अभी भी दूरी तो उतनी ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 × 4 और एक 5/2 घंटे और ये किलोमीटर। हमने देखा 5 × 30, 2 × ये कितना आ गया, सॉरी 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और ये 2 ऊपर गया, 3 × कितना आ गया, 6 आ गया सर, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, दोनों की स्पीड का योग इतना है, हम क्या जानते हैं, दोनों को घटाया एक जोड़ दिया, जोड़ दिया तो 2SA इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ा 36, स्पीड ऑफ A कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना आ जाएगा, B कितना आ जाएगा, दोनों को घटा दो, आधा कर दो, दोनों को घटाया SB, घटाया 24, आधा कर दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या बोला है, उसमें से तेज चलने वाले की गति, तेज चलने वाले की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे आपने क्या किया है कुछ समझ में नहीं आया, देखो समझा रहे हैं, बड़े प्यार से देखना। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जुड़ जाएगी गति, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो घट जाएगी। कितना आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। तो देखो कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक बड़े प्यार से सुनो, जब भी कोई दो राशियों को जोड़ें, दो क्वांटिटी को ऐड करें, कुछ मिलता है, उन्हीं दो क्वांटिटी को डिफरेंस लेने पे, घटाने पे कुछ मिलता है, तो कैसे निकालते हैं, जो प्लस वाला है ना, प्लस वाला है, इसको निकालने के लिए क्या करना है, ये प्लस है एस ए, देखो दोनों में प्लस है, इसको निकालने के लिए क्या करना है, जोड़ दो दोनों को, 30 और 6 36, 36 का आधा कर दो,
18 किलोमीटर प्रति घंटे। माइन ये वाले को निकालना है, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों को घटा दो, दोनों को घटाया 24, 24 का आधा कर दो किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करना है, जोड़ के आधा करोगे तो पहले वाले का, घटा के आधा करोगे तो बाद वाले का। तो उसने पूछा है तेज चलने वाली कौन सी है, 18 किलोमीटर। यदि हम कहें एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए प्लस बी 24 आ गया, ए माइनस बी 8 आया, तो हमने क्या कहा है, ए निकालना है तो जोड़ के आधा करो, जोड़ा 32 आया, 24 और 8 32, 32 का आधा 16, दोनों को घटाओ, 24 और 8 का डिफरेंस 16, 16 का आधा कितना हो गया, 8 आया। तो हमने जो बताया है वो याद रखेंगे, क्या करना है, जोड़ के घटाओगे तो प्लस वाला, घटा जोड़ के आधा करोगे तो प्लस वाला, घटा के आधा करोगे तो माइनस वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये 3D का है, घनाभ वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे, क्या है 16, 8 और 11 मीटर ऊंचे अधिकतम कमरे में अधिकतम लंबाई का कौन सा सामान आ सकता है, मतलब वो कौन सा होता है, याद रखेंगे वो होता है डायगोनल, जो यहाँ से इस कोने से होकर इस कोने तक जाता है, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है। इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है एल बी एच, लिखा अंडर रूट डाल दिया, स्क्वायर डाला सबका, बीच में प्लस डाल दिया। तो देखो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, 8 का 864, 11 का 121, अंडर रूट ले लिया, 6 4 10 और 1 11 हासिल आई 1, 6 7 8 और 1 9 5 14 हासिल आई 1, 6 7 सॉरी गड़बड़ हो गई कुछ, 6 4 10 और 1 11 हासिल आई 1, 6 7 8 8 5 13 और 1 14 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 4 कितना आ गया, 441, 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। आंसर कितना आएगा, 21 आपका राइट आंसर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये काहे का है, क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है, ये क्यूबॉइड है। पता कैसे चला क्यूबॉइड है, क्योंकि सारे डायमेंशन जो हैं वो अलग अलग हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, हमने 3D 2D लाइंस एंड एंगल्स, इनके क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं आपके इसमें MCQ में, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखिए, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, इसका आयतन इतना है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। आयतन दिया है ना, हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया है 2816 सेंटीमीटर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या 4x है, ये कितना आ जाएगा 4x और ये कितना आ जाएगा 7x, 4x स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर इंटू एच कितना है 7x, 2816, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 11 दुना 22, 22 तो कट गया, 6 बचा, 11 पंचे 55,
छः बचा ग्यारह छंग छसठ, ठीक है पूरा कट जा रहा है। ये 16 का स्क्वायर है, ये 16 आ गया, ये आ गया 8, तो x क्यूब की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो पूछा है त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या कितना है 4x, x की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 4 × 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है भाई। चलिए ये देखो 3D जो है ना एकदम इजी होता है, सिर्फ फॉर्मूले पे फॉर्मूला लगाना है आपको, आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या है। सर एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु, ये देखो कौन का आ गया, का आयतन 600 पाई घन सेंटीमीटर है। आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का है उसका 1/3 कर दिया तो कौन का आ जाता है इज इक्वल टू 600 पाई। चलो पाई से पाई कैंसल, और इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है, व्यास डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या या रेडियस कितना हो जाएगी 15, तो 1/3 इंटू 15 इंटू 15 कर लो क्योंकि 15 का स्क्वायर, तो आपको निकालना है एच तो नहीं दिया गया तो एच रख लिया 600। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो चलो पहले ये निकाल लेते हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 5 × 8 = 40, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ये बात ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये तो सी एस ए हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई दोनों में कॉमन आ गया ना, पाई आर कॉमन ले लिया एल प्लस आर। अब देखो एल कैसे निकालना है, चलो देखो एल कैसे निकालना है। सर एल कैसे निकाला जाता है, एल होता है ये, अब देखो एच कितना है 10, ठीक 8 है, ये कितना है 15, ये 15 है ये 8 है तो ये 17 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों 17 होगा, ट्रिपलेट्स याद है, ट्रिपलेट्स की सहायता से हम बना लेंगे, ये 8 है ये 15 होता है तो ये 17 होता है, एल की वैल्यू 17 आ गई। चलो जी पाई पाई के फॉर्म में दिया है, पाई है 15, आर है 15, एल आ गया 17 और ये 15, तो कितना आ गया 15 × 30 और 2 = 32, 15 × 30, 15 × 3 = 45 और 3 = 48 पाई, कितना आंसर आ रहा है 480 पाई ना आपका राइट आंसर है। अब देखो ये फॉर्मूला काहे का है, टोटल सरफेस एरिया है किसका, कोन का, इसको याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर 2BAD है, इसके लिए आपको ना सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर, तो फिगर ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है भाई, इस ट्रायंगल में क्या है ABC, ये A, ये B, ये C, BC में बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BDC में D यहाँ पे है मान लेते हैं, ये D हो गया तो ये जो D है ना ये क्या है, ध्यान से देखना, ADC ये D है तो ADC
मतलब ये वाला यहां से लेके ऐसा, ए डी सी जो हो गया, ये ए डी सी ना, ये ए डी सी ये क्या है, बराबर टू बी ए डी, बी ए डी ये वाले एंगल का डबल है कहता है, ठीक है। मतलब यदि ये एक्स है तो ये टू एक्स होगा, यही तो कह रहा है ना, इसका डबल ये है, ठीक है। ए बराबर 80 डिग्री है, ये भी कह रहा है कि जो ए है ना, ये टोटल का टोटल ए, ये 80 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। और एंगल सी इज इक्वल टू 38 है, ये 38 है, तो ए डी बी का माप निकालना है, ए डी बी ये आपको ज्ञात करना है। चलो ध्यान से देखो, अब जो सॉल्यूशन, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। आप देखिए ये ट्रायंगल ए बी डी, ये आपको दिखाई पड़ता होगा, ये कुछ ऐसा है, इस ट्रायंगल में ये एक्स है, ये 2x है, हमको पता है ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल, डीप का एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या होता है बाह्य कोण, बाकी के दोनों कोणों का योग, ये 2x है, इन दोनों का योग होगा, और ये x है, तो ये कितना होगा कि ये 2x हो जाए, तो ये x और x कितना हो जाएगा 2x। तो सर ये बात समझ में आई कि ये x है तो ये भी x होगा, तभी ये 2x होगा, क्योंकि इन दोनों का योग होता है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया x। चलो ये बात क्लियर है। अब देखिए सर, ये ना टोटल, ये जो टोटल है ये 80 डिग्री है, कितना डिग्री है 80। अब देखिए ये वाले ट्रायंगल में 80 डिग्री प्लस 38 डिग्री प्लस ये एक्स, ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में 80 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, 80 डिग्री ये पूरा का पूरा 80 डिग्री है भाई, प्लस 38 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को जोड़ के घटा दिया तो 80 100 घटाया 38, 62 डिग्री, एक्स की वैल्यू 62 डिग्री आ गई, बहुत बढ़िया। मतलब ये 62 डिग्री है, ये वाली x की वैल्यू 62 है, ये 62 है, ये भी 62 है, तो ये कितना हो जाएगा, सर दोनों का योग 62 आया, 62 प्लस हमको निकालना है ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वो ए डी बी है, दोनों को घटा दिया, 6 × 12 2 × 4 180 में से घटा दिया, 5 × 3 8 56 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई, आंसर कितना आ रहा है 56 डिग्री। देखो ये 62 है, ये भी 62 है, दोनों का योग, तीनों का योग कितना होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, 180 62 कितना हो गया 124, 180 में से 124 घटाया कितना आ गया 56 डिग्री, इसका राइट आंसर है। तो बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी एक ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये किसका है, इन सर्कल का क्वेश्चन है। कैसे, त्रिभुज एबीसी कहता है, त्रिभुज एबीसी बनाते हैं अपन, ये एबीसी बन गया,
अब देखना बड़े प्यार से, आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। जो आई है ना, यहाँ से बराबर दूरी पर है, यहाँ से बराबर, यहाँ से बराबर, मतलब आई का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर है। तो आप क्या जानते हो, जब भी त्रिभुज के अंदर भुजाओं से दूरी समान हो जिस बिंदु की, वो क्या होती है, वो इन सर्कल हो जाती है, इन सेंटर। क्या होती है इन सेंटर, जिन बच्चों को नहीं पता बताते हैं क्या है इन सेंटर, क्या है देखो, इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये गोला बन जाएगा जी, सर्कल। इनके अंदर क्या बन जाएगा, ये वाला सर्कल बन जाएगा। देखो ये सर्कल बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये दूरी समान है कह रहा है। आप देखिए समान दूरी पर हैं, तो ये देखो, अब ये समान दूरी कब होती है, जब रेडियस हो, ये आर हो, ये आर हो, ये आर हो, तो ये कब बनता है सर, तब बनता है जब हम खींचते हैं इनका कोण समद्विभाजक। क्या खींचा जाता है, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक। तो याद रखें, ये बिंदु आई कब प्राप्त होगा, ये बिंदु आई तब प्राप्त होगा जब हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज है ये त्रिभुज, त्रिभुज इन त्रिभुज में क्या खींचा हमने, कोण समद्विभाजक खींच लिया। ये त्रिभुज बंदीरा कोण समद्विभाजक यदि खींचा ना, कोण समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में काटे, कोण समद्विभाजक खींच लिया, ये लो ये कोण समद्विभाजक है भाई, ये आई होगा। क्यों, क्योंकि इस आई का डिस्टेंस, दूरी यहां से, यहां से और यहां से भुजाओं से बराबर होगा। अब इनका जो वो है ना, ये एंगल, वो कितना होता है, देखो ए आई बी, ये जो एंगल है ये कितना होता है, जिसके सामने बन रहा है, जैसे ये ए के सामने बन रहा है ना, ये ए के सामने बन रहा है मान लो आई, तो ये बी आई सी ये कितना होता है, हमको पता है ये बात, बी आई सी ये वाला कोण, ये होता है 90 डिग्री प्लस ए बाय टू करना है, ए कौन सा, इसके सामने जो एंगल होगा उसका आधा। तो आपको क्या करना है भाई, देखो ये तो रूल हमने बता दिया, अब देखो क्या है, ए आई बी, ए से आई, ये आपका ए आई बी हो जाएगा, ए आई बी, ए आई बी ये वाला कोण, ठीक है बहुत बढ़िया, प्लस बी आई सी, बी आई सी ये वाला कोण निकालना है, दोनों का योग। कब, जब एंगल बी बराबर 56 डिग्री दिया गया हो, ये वाला कोण ना पूरा का पूरा 56 डिग्री दिया गया है। तो आप क्या जानते हैं, अभी हमने बताया जो इसका ये कोण है, ऐसे में इन सेंटर में, इन सेंटर बोलते हैं अंतः केंद्र, क्यों, क्योंकि ये अंतः वृत्त बना है, अंतः केंद्र में बनने वाला कोण, दो कोण समद्विभाजक के बीच में बनने वाला कोण, सामने वाले शीर्ष इसका आधा प्लस 90 डिग्री होता है। तो ये बताओ ए आई सी क्या हो जाएगा, ए आई सी ये वाला कोण
90 डिग्री अभी बताया ना, ये जो कोण बन रहा है कोण समद्विभाजक का जो एंगल है, कोण समद्विभाजक ये त्रिभुज के दो कोणों का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक यहां मिले, उस पे बनने वाला कोण त्रिभुज के तीसरी शीर्ष तीसरे कोण का आधा प्लस 90 डिग्री। ये कोण, ये तीसरे कोण का आधा प्लस 90 डिग्री, तीसरा कोण 56 है, 56 का आधा 28 प्लस 90 डिग्री कितना आ गया 118। तो ये वाला कोण तो 118 आ गया, ये बात क्लियर है हमको। लेकिन ये कोण पूछा है क्या? नहीं, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके, लेकिन हम ध्यान देंगे टोटल तो 360 हो जाता है ना, और उसमें से ये नहीं चाहिए, बस इन दोनों को चाहिए 360 में ये घटा दिया, मतलब 118 घटा दिया, 360 माइनस 118 कितना आएगा, ये आ गया 2, 35 में 1 गया 34 और 10 24, 242 डिग्री ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं एक एक कंसेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से, इसलिए लग सकता है कि हार्ड लग रहा हो, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि की जाती है। देखो ये भी मेंसुरेशन 3D से लिया है शंकु का, तो आयतन कितना बढ़ जाता है, हम जान रहे हैं रेडियस और ऊंचाई में कितने की वृद्धि की गई, 20% की। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, 20%, तो 5 में 1 की वृद्धि, ये 6 हो गया, ये ओल्ड था ये न्यू। अब देखो हाइट भी 20% की वृद्धि, तो 5 से 6 हो गया। हम क्या जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, आयतन में बोला है ना, आयतन में वॉल्यूम में कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर पहले दूसरा था, अब दूसरा है, एच दूसरा है, एच दूसरा है, तो ये तो डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड कौन करेगा, आर और एच। लेकिन क्या देखो R का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन आप R एक बार लिखे हो, वॉल्यूम में दो बार R आता है, तो दो बार R लिखो, R कितना है, R भी 5 से 6 है, तो R 5 से 6 होगा, दो बार R है, तो 5 पंचे 25, दो बार R, एक बार H, एक बार H, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, ये कितना आएगा, अच्छा ये 5 से 6 हो जाएगा ना। अब देखो 6 का स्क्वायर 216 कितना बढ़ गया, 25 और 15 40 41, कहाँ से, 125 से, इनटू, अच्छा 75 और 15 कितना हो जाएगा, 91 आएगा ये, इनटू, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं 100%, 25 चौक 25 पंचे, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 5, 5 सत्ते 35, 1 बढ़ गया, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 72.8% क्या है आपका राइट आंसर है। क्या हुआ है, रेडियस बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, हमने देखा वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 और पाई तो कांस्टेंट हैं, वो कभी बढ़ेंगे नहीं, 1/3 कैसे बढ़ सकता है, 1/3 तो 1/3 है, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वो फर्क नहीं करेगा, तो वो डिसाइड नहीं करेगा वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि कम हो रहा है, कौन डिसाइड करेगा, रेडियस और एच, रेडियस बढ़ रहे हैं,
रेडियस का दो बार गुणा होता है इसलिए दो बार रेडियस लिया है, क्योंकि आर स्क्वायर एक बार एच तो एक बार एच लिया है। फिर देखा कितना आया, इतना, इसमें कितना आया, इतना। अब देख लिया कितना परसेंट आया, बढ़ा कितना, 72.8% इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वह सबसे बड़ी माप क्या है जिसका उपयोग इसको 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा नापने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, HCF निकालना है सिर्फ, तो क्या है ये सेंटीमीटर में दे दिया ना, और वो भी सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में लो। 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर सब का निकाल लो, कितना आएगा। 7 से तो सब कटने वाले हैं, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 5, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 3 7 पंचे 35, 5 से फिर सब कट जाएंगे, 5 दूना 10, 11 पंचे 55, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। ये तो अभाज्य है, अभाज्य है, प्राइम है, नहीं कटता। तो एलसीएम, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ निकालना है ना, एलसीएम नहीं, एचसीएफ, 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ रहा है, 35 सेंटीमीटर भाई, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फिर से एवरेज आ गया है। ए ने 5 में से 4 पारियों में इतने 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 रन बनाए, 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में इतने रनों का औसत रखना चाहता है। तो हम जानते हैं भाई एवरेज है तो योग कितना हो जाता है, योग जितना एवरेज और जितनी पारी है, संख्या है, तो 55 गुणित 5 नहीं हो जाएगा, 55 इंटू 5, कितने कितने नंबर रन बनाए हैं, 73 प्लस 76 प्लस 20 प्लस 7 प्लस x, लास्ट पारी में x रन बनाया मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 6 3 9 9 7 कितना हो गया। अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 2 27 माइनस, ये इधर आ जाएगा, कितना हो गया, 6 3 9 7 16 हासिल आई, 1 2 और 1 3, 7 3 10, 10 7 17, तो कितना आ गया, 275 में से 176 गया, 99th। तो 5वीं पारी में वो 99 रन बनाया है भाई, 1 रन से चूक गया शतक से, 99 रन बनाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटियां इतनी प्रारंभ में एक साथ बजती हैं। देखो 6 घंटियां एक साथ बज गईं, इसके बाद हर 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में बजती हैं। तो ऐसे में तो हम तो एलसीएम निकालते हैं, 2 4 6 8 10 और 12, एलसीएम 2 एकम 2 दूना 2 तिया 2 चौक 2 पंचे 2 छंग, फिर 2 से कट जाएगा, 1 एकम 2 एकम 3 दूना 5 तिया, 3 से 1 एकम 2 तो जाएगा नहीं, 5 तो जाएगा नहीं, 1 एकम 5 दूना 10, 3 दूना 6 दूनी 12, 120 सेकेंड। सेकेंड कैसे आया ये वाला, क्योंकि ये सब किस में दिए हैं, सेकेंड में, तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेकेंड में, 120 सेकेंड में बजेंगी। अभी तो एक बार बजी ना, हमने कहा था यहाँ पे बज गई है, यहाँ पे सारी घंटियाँ एक साथ बजी हैं, एक साथ, अब कब बजेंगी, 120 सेकेंड में, तो पहली बार बजी हैं, यहाँ पे तो बजी हैं, अब 120 सेकेंड में बजेंगी, ये 0 सेकेंड में बजी थी, फिर 1 में नहीं बजेंगी, 2 में नहीं बजेंगी, कब बजेंगी, 120 सेकेंड में, फिर 120 सेकेंड में, तो 120 सेकेंड मतलब कितना मिनट, 2 मिनट, फिर 2 मिनट, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 15 बार नहीं बज जाएंगी, 15 बार
दो मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 15 बार। लेकिन याद रखो ये प्रारंभ में भी तो एक बार बजी है ना, यहां से 15 बार बजी है, ठीक है, लेकिन एक बार भी तो बजी है शुरू में। एक साथ 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ करती हैं, एक साथ बज गई, उसके बाद बज रही हैं, तो 15 तो ये बाद का है, शुरू में भी तो एक बार बजी हैं, उसको भी तो जोड़ेंगे, कितना आ गया 16। तो कितनी बार बजेंगी, 16 बार एक साथ बजेंगी, याद रखेंगे। कुछ बच्चे सिर्फ 15 निकाल के मार्क कर देते हैं, ऑप्शन में दोनों दिया गया होता है 15 16, आंसर क्या आएगा, 16 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले एक सिलेंडर को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। देखो एक फॉर्मूला याद रख लो, n गोले छोटे छोटी आकृति का आयतन बराबर बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन क्या है इंग्लिश में, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर फिगर, क्या है इसका मतलब, देखो ध्यान से। यदि हम इस बॉटल में पानी भरते हैं तो मान लेते हैं 1 लीटर का पानी आता है यहां तक, अब हम इसको 3 भाग में काट दिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग काट दिए, अब इसमें तीनों भाग में पानी भर रहे हैं, तो देखेंगे जितना पानी शुरू में आ रहा था ना उतना ही आ रहा है, क्यों, अरे वही बॉटल को तो काटे हैं, तो यहां से काटा इतना पानी तो पहले भी था अभी भी है, इतना पानी पहले भी था अभी भी है, इतना पानी पहले भी था अभी भी है, मतलब तीनों भागों को मिलाने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आयतन चेंज नहीं होता। सेम उसी प्रकार से एक छोटी आकृति का आयतन और कितनी छोटी आकृति में काटा है उसको, उसकी संख्या को गुणा कर लिया तो बड़ी आकृति का आयतन निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो 12 ठोस गोले, 12 गोले बनाए गए हैं, किसको पिघलाकर, सिलेंडर, सिलेंडर किस आकृति का होता है, बेलन, बेलन होता है, तो क्या है आधार, कितना है आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या निकल आएगा 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 16, किसका, बेलन का, बेलन क्या होता है जी, उसका वॉल्यूम 4/3π, अच्छा बेलन का ना, ये तो हमने गोला का लिख दिया, बेलन का होता है πr²h, ये बेलन का आयतन है। हमने देखा r कितना, सर पाई का तो पाई ठीक है, r कितना 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1, h कितना है 16 सेंटीमीटर, तो h 16 रख दिया, ठीक है भाई, ये बड़ा वाला था इसको पिघला दिया, और समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए गए, गोले, गोले का आयतन कितना होता है, सर गोला का जो आयतन है वॉल्यूम है 4/3π r³ होता है। अब देखो ध्यान से, ये जो पाई है ये पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर में अंतर है याद रखेंगे, इसको हम ये आर को कैपिटल आर लिख ले रहे हैं, कैपिटल आर क्योंकि सिलेंडर का है, बड़ा वाली आकृति थी तो आर रख लिया, चलो इसकी वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, एच कितना है 16। अब देखो
तीन चौक 12 नहीं आ गया, चार चौक 16, आर क्यूब 16 आर क्यूब, ये 16 से 16 कट गया, तो आर क्यूब की वैल्यू एक, तो आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, एक आ गई। तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना है, ये रेडियस एक है, तो व्यास कितना हो जाएगा, डायमीटर 2R, 2R हो जाएगा मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित किए जा सकने वाला वर्ग का क्षेत्रफल, 8 सेंटीमीटर, बड़े प्यार से देखना, 8 सेंटीमीटर वृत्त, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये वृत्त है जिसकी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसके अंदर अंकित किया है आपने क्या, वो कहता है इसके अंदर अंकित किया है आपने वर्ग को, किसको, वर्ग को अंकित किया है, ये वर्ग अंकित कर दिया भाई, चलो ठीक है। तो अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान रखिए त्रिज्या तो आप कैसे भी बना सकते हो, त्रिज्या आप कैसे भी बना सकते हो, ऐसी त्रिज्या बना सकते हो, लेकिन जब डबल फिगर आता है ना तो हमेशा याद रखिए मीटिंग पॉइंट को मिलाते हैं, दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, वर्ग और सर्कल का ये कॉर्नर, तो इस कॉर्नर से मिलाना है आपको, इस कॉर्नर से मिलाना है और त्रिज्या खींचनी है, तो त्रिज्या तो ये खींचा गई, अब इसको और बढ़ा दो ऐसा तो डायगोनल नहीं बन जाएगा, ऐसा डायगोनल बनाना होता है हमेशा, तो चलो ये डायगोनल बन गया इसका, और ये आर है, ओ ए बी सी डी लिख लेते हैं, ये आर कितना है 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, और हम क्या जानते हैं, ये ए है भाई, ये ए है, तो ये एक्चुअल में एसी कितना हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू 8√2 हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं √2 हो जाता है, √2 हो जाता है, 8 नहीं, √2, ये a है, ये a है, तो ये √2, और इसकी वैल्यू हो कितनी गई, 8, 8, 16, तो a की वैल्यू कितनी आई, 16/√2, आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 16/√2 का स्क्वायर मतलब 16/√2, √2 √2 दो हो गए, 2 से डिवाइड किया 2 8, 16 4 64, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो ये भी क्यूबॉइड का है, एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है जिसका बाहरी माप इतना है, आधार पार्श्व फलक और पिछला भाग रंगीन कागज से ढका जाना है, मतलब क्या है, देखो हम समझाने की दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है, आधार मतलब ये वाला भाग, ये वाला जो नीचे वाला भाग है ये, और बोल रहा है पार्श्व फलक, ये जो साइड है ना, ये पार्श्व फलक हो गया, ये लो ऊपर नहीं करना, ऊपर नहीं करना, ये पार्श्व फलक हो गया, चलो ये पार्श्व फलक हो गया, ठीक है भाई,
और जो बैक है, जो पीछे वाला है, ये जो पीछे वाला है ना, ये भी ढका जा रहा है। तो ये बताओ किससे? कागज से। तो ये बताओ कितने साइड हो गए, कितने साइड नहीं कितने सरफेस ढके जा रहे हैं? तो हमने चेक किया सर, सरफेस टोटल ढके जा रहे हैं नीचे वाला। नीचे में क्या होगा? लेंथ, क्या क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना, नीचे में लंबाई और चौड़ाई होगी। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। अब जब ये इस साइड का ढकोगे, इस साइड का या इस साइड का, तो देखो ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ब्रेथ इनटू हाइट। लेकिन जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ भी है, तो 2BH हो जाएगा प्लस पीछे वाला। देखेंगे पीछे वाला, तो ये हाइट हो गई, ये लंबाई हो गई। तो लंबाई और हाइट LH, ये आपका बनेगा। और इसमें L भी कितना है, लेंथ और ब्रेथ, तो लंबाई और चौड़ाई, तो 15 × 96 = 90, 15 × 70 = 105, 10 = 1050, ठीक है। BH 15 × 30 300, और डबल 300 × 600 प्लस LH 7 × 1400। तो कागज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 14 × 6 = 2000 × 3000 × 3050 सेंटीमीटर। ये क्या है? कागज का क्षेत्रफल है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन दो बार हो गया है। चलो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। कोई व्यक्ति है, उसकी आय है 100%, उसने फूड में खर्च कर दिया कितना परसेंट? 20% खर्च कर दिया, तो ये देखते हैं बचा कितना। 80% नहीं बच गया? जब 20% खर्च कटा किया तो 80% बच गया, ठीक है सर। शेष का 10% शिक्षा पर, इसका 10% शिक्षा पर, शिक्षा पर 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8% शिक्षा पर खर्च कर दिया। टोटल कितना? 20 और 8 = 28 खर्चा कर दिया है। बचा कितना? 72% बच गया, ठीक है सर। यदि वह इतना रुपए बचाता है, बचा कितना रहा है? 72% बचा रहा है, और बचा रहा है रुपए में 17,280, तो कितना आ गया? 9, 8 + 1 = 9, 8 = 72, 9 × 1 = 9, 7 + 1 = 8, 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 18, 8 × 2 = 16, 8 + 4 = 32, 1% की वैल्यू 240। तो वो कह रहा है कपड़े पर, शेष का 20% वह कपड़े पर खर्च करता है और शेष का 10%। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई एक, ये वाला ना हमने भूल गया, हम भूल गए पढ़ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% भोजन पर किया है, बचा कितना? 80। शेष का मतलब 80 का 20% कपड़ों पर, तो कपड़ों में कितना कर रहा है? क्लॉदिंग में इसका 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा? 10% = 8, 20% = 16, 16% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 20 + 10 = 36, तो ये बच गया 64%। ये 64 का शेष का मतलब 64 का 10% शिक्षा पर, शिक्षा पर कितना कर लिया? 10% मतलब 6.4%, 6.4 कर लिया, तो 36 × 6 = 42.4, तो ये कितना आ गया? 47.6%।
47 नहीं 57.6% ये आ गया। चलो और बचा कितना है 17280। भाई ये कितना परसेंट हो गया टोटल? टोटल हो गया हमने देखा 36.42.4% खर्च कर रहा है किसी ना किसी में, तो बचाया कितना फाइनली 100 में से इतना घटा दिया, इतना बचा, इतना बचत कर रहा है। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया। 9 5 45 9 6 54 54 3 बचा 9 5 9 6 36 9 1 9 बचा कितना 7 और 1 8 9 9 81 9 2 18 ठीक है बहुत बढ़िया। सर ये 64% की वैल्यू आ गई कितनी 19200 क्योंकि पॉइंट हटा दिया। 8% की वैल्यू 8 8 64 8 2 16 8 4 32 8 3 24 1% की वैल्यू 300। तो उसने बोला है कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना आया? दोनों का 16 और इसको घटा देंगे तो 9.6%। 1% की वैल्यू ये तो 9.6% की वैल्यू 9.6 × 300 6 2 12 6 3 18 और 9 3 27 और 1 28 00 ये पॉइंट लग गया 2880 रुपये आपके आंसर हैं भाई। इसका आंसर क्या है 2880 रुपये। देखो ध्यान से इसको ना शेष वाले को ना आप ऐसा भी बना सकते हो 20% भोजन पर खर्च किया, फूड पर 20% खर्च किया है, 20% की वैल्यू 20 × 5 = 100 तो 5 में 1/5 20% की वैल्यू 1/5 ना, तो 5 में 1 खर्च कर लिया तो बचाया कितना 4 ऐसे कर सकते हो। फिर शेष का 20% फिर तो 5 से 4 20% की वैल्यू 1/5 10% की वैल्यू 1/10 तो 10 से 1 = 9 5 5 = 25 25 × 250 और 4 4 = 16 16 9 कितना हो जाता है 144 ये आ गया। तो ऐसे करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, इतना कमाया इतना खर्च कर दिया बचाया कितना, ये आपका बचत आ गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या ऐसे जैसे हमने बताया ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। 43% पास कर रहा है, 43% पा रहा है और फेल कितने से हो जा रहा है 72% अंकों से। ये परसेंट नहीं होगा 72 अंकों से होगा। ये 72 अंकों से है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे और 40 अंकों से। चलिए एक बार और पढ़िए। यदि कोई 43% पा रहा है और 72 से फेल हो गया, यदि 72 मिल जाता तो जस्ट पास हुआ रहता 72 नंबर, लेकिन जब वो 47% पा रहा है 57% तो 40 अंकों से उत्तीर्ण, 40 ज़्यादा पा जा रहा है तो 40 यदि कम पाता तो जस्ट पास हुआ होता। 40% इधर इधर ले गए तो 7 7 14% आ गया और ये इधर आया जुड़ गया 7 4 11 और 1 12 1% की वैल्यू कितनी हो गई 14 7 98 14 8 112 तो वो कहता है
पासिंग परसेंट बोला है, ध्यान दो। और यहाँ पे प्राप्तांक कितना पाना है, तो 1% की वैल्यू 8, तो ये बताओ 43% यदि पाता तो पास होता क्या? नहीं, पर 43% और 72 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। 1% की वैल्यू 8, तो 43% कितना हो जाएगा? 8 3 24, 8 4 32, 32 और 2 34, लेकिन अभी भी पास नहीं हुआ। इसमें यदि 72 जोड़ेंगे तो पास होगा। 4 5 6 7 4 11, हासिलाई 1, 416%। तो कितना परसेंट पाना चाहिए? 416 नंबर पाना है उसको। लेकिन वो किसने पूछ रहा है? प्राप्तांक परसेंट पूछ रहा है। अच्छा, परसेंट पूछ रहा है। ऐसा देखो, नंबर के लिए इतना आता, नंबर यदि पूछा होता तो परसेंट पूछा है, परसेंट देखते हैं। देखिए, ये बताओ एक नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? सर 112 की वैल्यू कितनी आई है? सर 14%। कितना परसेंट? 14%। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1% की वैल्यू 14 5 70, 14 7 98, 14 8 112। हमको कितना? 43% तो है ही परसेंट मार्क्स। ये परसेंट में पता चल जाए तो मस्त, दोनों को जोड़ दें। ये परसेंट है, ये भी परसेंट में पता चल जाए। कितने की परसेंटेज वैल्यू चाहिए? 72 की। 8 की परसेंट वैल्यू कितनी है? 1। 8 नंबर की परसेंट वैल्यू 1, तो 72 नंबर की क्या होगी? किसका गुणा करेंगे? 9 का। 8 9 72, तो इधर भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 एकम 9%। कितना परसेंट? 9%। तो ये तो 43% है, कितना परसेंट और जोड़ें? 9%, 43 और 9 52% आपका राइट आंसर है। तो कितना परसेंट पाना था उसको? 52% उसको उस मार्क में, उस एग्जाम में स्कोर करना था ताकि वो पासिंग मार्क ला सके। देखो एक बार और, वो परसेंट में पूछा है, नंबर नहीं पूछा। हमने नंबर निकाल दिया था, 43% और 72 जोड़ दिया। लेकिन हम ये कह रहे हैं यदि वो परसेंट पूछता है तो ये देखो, ये तो परसेंट में दिया है, सिर्फ ये परसेंट पता चल जाए ना तो मज़ा आ जाए। 8 नंबर की वैल्यू 1%, तो 72 नंबर की वैल्यू 9%। या फिर ऐसा देखो, ये परसेंट में पता है, ये पता चल जाए 40 तो निकाल लें। 8% की वैल्यू 1, तो 40% की वैल्यू 8 5 40, 5%। तो 57 में 5 घटा दो, कितना परसेंट आएगा? 52% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, जितने भी क्वेश्चंस कराए हमने हॉस्टल वार्डन के लिए। अच्छा, हॉस्टल वार्डन का बैच जो कि क्रैश कोर्स आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है, यह हमारे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में इस सोमवार से शुरू हुआ है। और इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं। आप आके शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट से इस नंबर पे कॉल करके और पता कर सकते हैं। देखिए, हर एग्ज़ाम्स में आप तैयारी तो करते हैं, कुछ मार्क्स से आपको दिक्कत हो जाती है, आप चूक जाते हैं। उसी की और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए ये क्रैश कोर्स का बैच चालू किया गया है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए यदि आप हमसे पढ़ना जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स रीजनिंग की बैच 3 स्लॉट में चल रहा है, सुबह 8:30 बजे, 9:30 और 4:30 बजे शाम को। 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट है। अगर अच्छे से करना चाहते हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, उसका बैच भी 2 महीने का एक डेडिकेटेड मैच है, और 5 महीने का मैथ्स रीजनिंग का लॉन्ग टर्म बैच तो चल ही रहा है। उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर यही है। हॉस्टल वार्डन के लिए अभी हमारे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज तो चल रही है, लेकिन साथ में एक टेस्ट सीरीज और नई स्टार्ट होने वाली है, वो है 15 जुलाई से। तो जो बच्चे भी 15 टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं
16 टेस्ट सीरीज शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से डिज़ाइन की गई हैं, जिसकी फीस सिर्फ 500 रुपये है। इसमें 16 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, जिसमें से 8 टेस्ट जो हैं वो मॉड्यूल वाइज हैं। मॉड्यूल वाइज मतलब 2 मॉड्यूल में किया गया है। पहले में कंप्यूटर है, पहले मॉड्यूल में इंग्लिश, कॉन्स्टी, ज्योग्राफी, योग, योग शास्त्र का और साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का। दूसरे भाग में, दूसरे मॉड्यूल में है मैथ्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, सीजी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये आपके रिपीट होते रहेंगे। फिर कंप्लीट मेगा टेस्ट के लिए हमने 8 मेगा टेस्ट डिज़ाइन किए हैं। 8 मेगा टेस्ट होने वाला है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ऑफलाइन जो सेंटर में है वो 500 रुपीज़ है, 499, और ऑनलाइन यदि करें तो ये सारे आपको टेस्ट हैं सिर्फ 200 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। 16 टेस्ट, जो शुरू के 2 टेस्ट हैं ना ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन में वो हमारे ऐप पे फ्री चलेंगे। तो फ्री इसको आप देख सकते हैं, जो 2 टेस्ट हैं वो। आपको यदि हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ये QR कोड है, इस ऐप QR कोड को स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कीजिए, या शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का ऐप जो है गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जहां पे हमने कहा कि मिशन 25 मैथ्स के अंतर्गत अपन सारे संपूर्ण भाग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।